आदरणीय स्वामी जी, हम लोग रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल वृद्ध जन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के पदाधिकारी हैं। देश की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान, सुरक्षा के लिए पिछले 62 वर्षों से कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास है कि वरिष्ठ जन माता पिता घर में रहते हुए ही सुखपूर्वक अपने बच्चों परिवार के साथ रहें, उन्हें वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े। संस्था प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार से दो संतों का या ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का जो मानवता के लिए सतत कार्य करते हैं उनको अलंकृत करती है। इसमें 101,000 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं पुरस्कार होता है। संस्था की चयन समिति ने इस बार आपका चयन किया है, अतः आप से मिलने हम लोग आए हैं, जिससे कि आप समय दें और ये कार्यक्रम आपके आश्रम में ही आयोजित किया जा सके। इसमें अलंकरण समारोह के साथ साथ एक विद्युत गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 8-10 संतों को, सांसद, मंत्री आदि को आमंत्रित किया जाएगा। ये गोष्ठी का विषय वरिष्ठजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ही होगा। लगभग 3 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, हल ये है, समाधान ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए। ये कमी किसकी है? ये कमी है शिक्षा की। पहले की शिक्षा में ऐड था ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आज की शिक्षा में ये ऐड है। तो जब शिक्षा से हट गया, सिलेबस से हट गया, तो उन्हें पता ही नहीं कि माता भगवान होती है, पिता भगवान। पहले हमें पढ़ाया गया जननी जन भोमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आजकल के बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा रहा है जब शिक्षा है ही नहीं। आजकल शिक्षा तो वेस्टर्न है, पश्चिमी है, और वहाँ तो कल्चर ही है वहाँ का कि लड़का 18 साल का हुआ, लड़के 18 साल के भी छोड़ के चले जाते हैं, और वही शिक्षा प्रणाली भारत में लागू है। तो कैसे भारत में उसका उत्थान होगा? तो भारत की सारी शिक्षाओं को पहले तो जितनी भी स्कूली शिक्षा है उसको आग लगा देनी चाहिए, और एक नई शिक्षा प्रणाली भारतीय गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली जो वेद पुराणों की ऐतिहासिक पुरानी प्राचीन चाणक्य के राम और कृष्ण की शिक्षा प्रणाली वो लागू की जाए, तब माता भगवान स्थापित होगी, भगवान गुरु में स्थापित होगी। वरना आप सिर पटक के मर जाइए, सारा संसार मर जाए, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक बच्चे बचपन से नहीं पढ़ेंगे कि माता भगवान होती, आज की जितनी शिक्षा प्रणाली है उसी को ही समाप्त करके गुरुकुल की एक नई भारतीय शिक्षा। आज हम इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, जज बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, सारे विदेशी शिक्षा पे बन रहे हैं। भारतीय शिक्षा पे कौन जज बन रहा है? भारतीय शिक्षा के अनुसार कौन एडवोकेट? जगन्नाथ जी का मंदिर। लेकिन अब भारतीय शिक्षा पे भी काम नहीं हो रहा, ये सरकारों का काम है। हम तो खूब बोलते हैं विषयों पर। अभी पतन हुआ है शिक्षा का। जब तक ये शिक्षा प्रणाली नई सिरे से नहीं आएगी, जब तक शिक्षा में भगवद गीता सम्मिलित नहीं होगी, जब तक शिक्षा में वेदांत सम्मिलित नहीं होगा, जब तक शिक्षा में ये उपनिषदों के वाक्य सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक नहीं है। हम और आप तो बेसिक ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर काम करने से उठना होगा। करते रहिए, हम भी करते रहें, आप भी करते रहिए। जड़ ये शिक्षा ही जड़। अब शिक्षा, पहले की शिक्षा अच्छी थी,
तो बच्चे अच्छे थे। आज के 100 साल पहले तो कोई बेटा अपने माँ बाप को ही निकालता था, क्योंकि पहले की शिक्षा यही थी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आज की शिक्षा है नहीं मातृदेवो भव। आजकल तो बेटा अपने बाप से कहता है कि क्या किया तुमने हमारे लिए, तो ये उसकी गलती नहीं है, उसने जो पढ़ा है वो कह रहा। सारी जिंदगी हम बच्चों को कुत्ता बिल्ली सीएटी कैट डीओजी डॉग कुत्ता बिल्ली पहले रामा 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 पढ़ाते थे, तो रखने की सेवा के संस्कार खत्म हो गए। दीन दुखियों पे दया, हमारे यहाँ तो चींटी को दाना डालने की परंपरा थी, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा थी, मरे हुए बाप का श्राद्ध करने की परंपरा थी। आजकल के बच्चे कहते हैं मेरा बाप मर गया और उसको पानी दूंगा तो सक जाएगा, वो तो ये लॉजिक लगा रहा है ना। अब उसे पता नहीं कि बेटा ये परंपराएं भगवान राम ने पिताजी का पिंडदान किया श्राद्ध किया। आप तो आगरा से ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने अपने बेटे से कहा था जब उसने जेल में बंद कर दिया कि बेटा तेरे से अच्छे तो हिंदू है, तू तो मेरे को जीते जी पानी नहीं दे रहा है। वो हिंदू तो मरे हुए बाप को कम से कम पानी देते हैं, ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने कहा ये बात। अभी इतिहास के पन्नों में कहाँ पढ़ाई जा रही है बात, किसी पता है। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी को आप छान लीजिए, उन्हें ये कुछ ज्ञान नहीं, उन्हें तो बस लिविन में रहने का शौक। पूरी दुनिया में सिर्फ लिविन चल रहा है धड़ल्ले से। हम तो गुरुकुल है ना अपना गौरी गोपाल गुरुकुल, 150 बच्चे पढ़ भी रहे। जब आप बोल देंगे तब, हम तो आप सबकी सेवा के लिए ही हैं, हम जो कहते हैं वो थोड़ा सा आज बदला है ना, जिसका परिणाम 20 साल बाद आएगा। आज जो बदला हुआ है आज ही नहीं दिखेगा। अब जो बच्चे आज पढ़ेंगे वो तो जवान, आज एक केजीवल का बच्चा 20 साल बाद ना काम करेगा, तो आज की शिक्षा 20 साल बाद। हम तो देखिए आप सब के आशीर्वाद से गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको खूब बढ़िया संस्कार खूब बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, भारतीय संस्कार भारतीय शिक्षा। हमारे यहाँ तो पूरा वेद वेदांत पुराण उपनिषद यही है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ ही अगर उनको प्रोफेशनल लाइन में भी डाला जाए, डालेंगे ना, उनको हम कंप्यूटर सिखाएंगे, उनको हम आज की आधुनिकता सिखाएंगे, सब कुछ होगा कर रहे हैं। होता क्या है ना कि ये सारे काम सरकार के, ये काम राजा के हैं भाई। राजा जो गाइडलाइन बनाएगा उसी पे चलना पड़ा। अच्छा राजा, पहले के राजा दशरथ जी सलाह लेते थे वशिष्ठ जी से, पहले के राजा के सलाहकार चंद्रगुप्त चाणक्य से सलाह लेते थे, आजकल का राजा सलाह ले कहाँ रहा। अब गुरुजनों से आचार्य जनों से सलाह ले, पूरी के शंकराचार्य जी इतने विद्वान हैं, उनके जैसा गणित तो कोई नहीं है पूरी दुनिया में, नासा समझने आता उनके पास, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं ले रही सरकार, इग्नोर कर रही है सरकार, संतों को इग्नोर कर रही है, और ये विदेश में पढ़ के आए हैं जो उनसे सलाह ले रही है। तो जब विदेश की पढ़ी शिक्षा से सलाह लेंगे तो भारत का उत्थान कैसे होगा। भारत का उत्थान करने के लिए तो भारत की शिक्षा चाहिए। क्या हमारे भारत में शिक्षा नहीं है? हमारे भारत में शिक्षा नहीं थी तो उस जमाने में जब BHU बनाया गया, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्य शिक्षा का यही हुआ, दुनिया पढ़ने यहाँ। उनके जमाने में पूरी दुनिया की भाषाएं सिखाई जाती थी BHU में, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। हमेशा से राजा को आचार्यों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि भारत के संस्कार वेद वेदांत ही तो है, वेद पुराण ही तो है जड़।